अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। तो हेलो गाइस, सो गाइस, आपने अभी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा उसी टाइप का आज हम आपको स्टेटस वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो गाइस यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। सो मैं ओपन कर लेता हूँ, ऐप की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो ओपन कर लीजिए। मैं सो गाइस आप जैसे अलाइट मोशन को सबसे पहले ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो नीचे प्लस का आइकॉन है, प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो मैं बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया, देख सकते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे इनपुट कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे इनपुट करने के बाद जैसे सॉन्ग बोलता है वैसे यहाँ पे लिरिक्स लिखना है अपने को। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देख सकते हो इधर, तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने को लिरिक्स लिख लेना है सॉन्ग के हिसाब से। आप सुन के लिख लीजिएगा, मैं सॉन्ग पहले से सुन के रखा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिरिक्स तो लिख लिया हूँ, तो आपको भी लिख लेना है। और यहाँ पे मैंने स्टाइलिश वाली फॉन्ट को यूज़ किया हूँ, तो देख सकते हो ये वाली फॉन्ट हिंदी की स्टाइलिश फॉन्ट है, तो मैंने इसे यूज़ किया हूँ। अगर आपको यही वाली फॉन्ट चाहिए तो मैंने चैनल पे एक वीडियो पहले से बना के अपलोड करके रखा हूँ, तो उस वाले वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल जानकारी बताया हूँ अलाइट मोशन में हिंदी फॉन्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है और इंपोर्ट कैसे करते हैं, सभी डिटेल में बताया हूँ, तो उस वीडियो को आप जाके देख लेना। ओके, तो आपको सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है, तो लिखने के बाद अपने को यहाँ पे मोड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में जाना और स्टार्ट पोजिशन में एक की एनिमेशन लगा देना। देख सकते हो ये वाला की है, यहाँ पे एक की लगाना और टेक्स्ट के बीचों बीच आने के बाद एक की लगा देना, देख सकते हो ये, और एंड में भी एक की लगा लेना इस तरह से। तो लगाने के बाद अपने को स्टार्ट वाले की पे आने के बाद इस वाला अपने को नेम जो लिखा है ऊपर इस तरह से स्लाइड कर लेना है और एंड वाले की पे आने के बाद इस तरह से इसे नीचे स्लाइड कर लेना, देख सकते हो। देन अपने को यहाँ पे इन दो की के बीचों बीच आ जाना इस तरह से और यहाँ पे कोर वाला ऑप्शन देख सकते हो, ये वाला कोर, तो इस वाले कोर को अपने को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, देख सकते हो। देन फिर से इन दो की के बीच में आना और इस कोर को इस तरह से रोटेट कर लेना गाइस। ओके, सो इतना करने के बाद अपने को फिर से बैक आना और यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन ये वाला, देन यहाँ पे भी स्टार्ट पोजीशन में एक की एनिमेशन लगाना, बीच में एक की लगाना और एंड में एक की लगाना। सो एंड वाले की पे आने के बाद अपने को इसे -10 डिग्री कर लेना। ओके, इतना देख सकते हो गाइस। देन इधर स्टार्ट पोजीशन में आने के बाद इसे भी यहाँ पे प्लस में 10 डिग्री रोटेट कर लेना है। सो इतना कर लेना है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। देन अपने को यहाँ पे कुछ इस तरह से अपना जो टेक्स्ट होता है वो आएगा। देन यहाँ पे अगला लिरिक्स लिखने के लिए गाइस सिंपल सा इस पर क्लिक टाइप करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से अपने को पेस्ट लेयर कर देना है इस तरह से। सो पेस्ट लेयर करने के बाद आपको इसी तरह से गाइस आपको सभी लिरिक्स एक साथ लिख लेना है, मैं आपको एक साथ लिरिक्स लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 लिरिक्स है वो लिख लिया हूँ इस तरह से, आपको मतलब सॉन्ग को सुन के लिख लेना है। एंड यहाँ पे फोटो एडिट करने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पे वी वेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने को फोटो को ऐड कर लेना है, तो मैं सिंपल सा फोटो ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया, तो आपको इसी तरह सभी फोटो एक साथ ऐड कर लेना है, तो मैं आपको एक साथ सभी फोटो ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो एक साथ ऐड कर लिया हूँ, जैसे बिट लगा वैसे ही, तो आपको भी सभी फोटो ऐड कर लेना। तो गाइस यहाँ पे इन फोटो को अपने को फुल स्क्रीन नहीं करना। ओके, तो इन फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना, जिस फोटो की लेंथ लंबी उसी फोटो को फुल स्क्रीन करना है। तो ये फोटो एडिट करने के बाद अपने को बैग आ जाना है, सिंपल से यहाँ पे शेक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो मैं ओपन कर लिया हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा उस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में 3 डॉट में जाना है, इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना इस तरह से। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आना और बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन कर लेना, देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। देन अपने को यहाँ पे जो जितना अपन ने लिरिक्स लिखा उस लिरिक्स पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर लेना, तो यहाँ पे इफेक्ट जो होता है अपना वो लग जाएगा, देख सकते हो गाइस यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। देन नेक्स्ट फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। देन अगर गाइस अपने को कलर चेंज करना है तो यहाँ पे स्ट्रिप वाले जो इफेक्ट होता है उस वाला में आना, यहाँ पे कलर चेंज कर देना, तो टेक्स्ट जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा, देख सकते हो। देन नेक्स्ट लिरिक्स इसी तरह से आपको 3-4 में कर लेना, तो मैं कर लेता हूँ। ओके,
और कलर भी चेंज करते जाना। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया हूँ। देन इतना करने के बाद अपने को फिर से बैग आ जाना है और यहाँ पे फिर से शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन करने के बाद इधर देख सकते हो इस वाली फोटो पे क्लिक करना और इफेक्ट में जाना। इसका इफेक्ट अपने को यहाँ पे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आना और बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना है। सो मैं ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो। देन ओपन करने के बाद इधर स्क्रॉल करना और यहाँ पे देख सकते हो इस फोटो की लेंथ काफ़ी छोटी, इस वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने का पेस्ट करना तो इफेक्ट लग जाएगा। देन फिर से इधर स्क्रॉल करोगे तो इन दो फोटो में अपने को जो पहला इफेक्ट होता है वो पेस्ट कर लेना है। देन अपने को फिर से बैग आ जाना और फिर से शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। तो मैं ओपन कर लिया हूँ। सो ओपन करने के बाद अपने को फिर से नेक्स्ट फोटो देख सकते हो, यहाँ पे ये नेक्स्ट इफेक्ट है, इस वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, इसे भी कॉपी इफेक्ट कर लेना। इस तरह से कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आना है और गाइस बीट मार्क वाली प्रीसेट को फिर से ओपन कर लेना है। गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस फोटो की लेंथ काफ़ी लंबी तो इस वाली फोटो पे पेस्ट कर लेना है इफेक्ट को। देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया हूँ। देन अपने को फिर से इधर स्क्रॉल करके देख लेना है गाइस यहाँ पे, सॉरी गाइस इधर कहीं पे करना नहीं है, बैग आ जाना है। सो बैग आने के बाद अपने को फिर से शेक इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करना है। देन अपने को यहाँ पे अब जीए वाले फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, इस वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। सो कॉपी करने के बाद फिर से अपने को बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। तो मैं बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया हूँ फाइनली। देन अपने को इधर स्क्रॉल कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इन फोटो की लेंथ काफ़ी छोटी थी, उस वाले फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो इफेक्ट होता है वो लग जाएगा। देन यहाँ पे अपने को गाइस यहाँ पे चार फोटो में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ, दो फोटो पे कर लिया हूँ, इन दो फोटो पे और करना है तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे चार फोटो में कर लिया इफेक्ट को पेस्ट, तो आपको भी कर लेना है इस तरह से। देन अपने को फिर से बैग आना और फिर से बीट मार्क वाली सॉरी शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। तो मैंने यहाँ पे शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया। अब जो लास्ट वाला इफेक्ट है बचा उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना है। देन ओपन कर लेता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पे ओपन करने के बाद अपने को यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अब जितनी फोटो बची हो उन सभी फोटो में इस वाले इफेक्ट को अपने को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो गाइस मैं एक एक में करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली मैं थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ सभी फोटो में एक साथ, तो आप भी कर लीजिएगा। ओके तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।